पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सेवा निर्मित कर्मचारियों का सम्मान समारोह शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कुल सचिव शत्रुघ्न वैश्य, गोरखपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, निर्भय सिंह सुधा सहित विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी और शिक्षक मौजूद रहे। समारोह के दौरान कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने तृतीय श्रेणी के रिटायर्ड 9 और चतुर्थ श्रेणी के रिटायर्ड 8 कर्मचारियों को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और उपहार भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। समारोह के दौरान वक्ताओं ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके दीर्घायु की कामना की। कर्मचारी संघ के पूर्व उपाध्यक्ष बड़े भाई परीक्षा विभाग से अनुरोध करता हूँ, बड़े शंकर सिंह जी अभी से अनुरोध है कि हमारे सेवा बड़े भाई शिव कुमार गुप्ता जी आ गए हैं, आपसे अनुरोध है कि मंच पे आने का कष्ट करें। आप हमारे बीच में शिव कुमार गुप्ता जी भी माना जैसा खाली का महसूस करता है के आरोप में और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में श्रीमती सुभाष देवी श्री लाला प्रसाद जी जो प्रत्यक्ष पद से कमेटी अनुभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं उनको मंच पे आना। कर्मचारी संगठन तथा विश्वविद्यालय थोड़ा सा करीब आ जाइए उनके परिवार को किसी को 4 लाख किसी को 5 लाख रुपया मिलता था, जिससे कि एक आदमी अपनी छुट्टी बचा के रखता था कि हम रिटायर हो गए तो 300 दिन मिलेगा। मैं उस 300 दिन के लिए अपने सम्मानित अधिकारीगण एवं परिवार के मुखिया से पुनः अनुरोध करता हूं आप लोग की तरफ से कि सर जल्द से जल्द भुगतान कराने की व्यवस्था की जाए। आज तो सभी के जीवन में अवसर आता है जहाँ सेवा का अवसर प्रार्थना मिलता है। विश्वविद्यालय चलता है 3 भूमियों पर, शिक्षक कर्मचारी और छात्र, जिसमें ऋण की हम जिसको कहते हैं मध्य का भाग जो करते हैं वो कर्मचारी होते हैं। बड़े कर्मचारियों में कोई काम विश्वविद्यालय का किसी से नहीं कर सकता है। जो सेवा के कर्मचारी में हैं विश्वविद्यालय परिवार ने उनका स्वागत किया है, स्वागत जो कदम है। साथ ही साथ मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन आगे का स्वस्थ निर्धारक और प्रसन्न रहे और साथ ही साथ में कोई भी समस्या होगी तो कर्मचारी संघ कही है विश्वविद्यालय के शिक्षक भी पूर्ण कर्मचारी लोगों का यथासंभव जरूरी सहयोग का समर्थन करता रहेगा। धन्यवाद। सुविधाएं हम लोगों को रोक दी गई है जो हम लोगों के साथ एक तरह से अन्याय है। क्योंकि मेरा ये अनुरोध है मंच के माध्यम से कि ये वर्तमान में जो भी वो 300 दिन अवकाश नकदीकरण है हम लोगों को दे हो, यही मेरा अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कर्मचारी साथी। सभी शिक्षक मित्रों, कर्मचारी साथियों और मीडिया से जाए विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का सम्मान प्रकारांतर से विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति का सम्मान होता है, क्योंकि कर्मचारी
विश्वविद्यालय के कार्य संस्कृत के प्रतीक होते हैं और उनके योगदान से ही विश्वविद्यालय चलता है। दिनों पिछले कई वर्षों से लगातार बहुत सक्रिय है और मैं देख रहा हूँ कि यह बहुत अच्छा है कि पिछले बहुत दिनों से विश्वविद्यालय में टकराव की परिस्थितियां कम हुई हैं और आम सहमति का एक वातावरण बना है और इस वातावरण से रचनात्मक कोशिशों को बल मिलेगा। मैं इस वातावरण को बनाए रखने में जो भी संभव सहयोग होगा करने के लिए बराबर प्रस्तुत रहूंगा। हमारे जो कर्मचारी साथी आज सेवावकाश ग्रहण कर रहे हैं उनका सम्मान इसलिए हो रहा है कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दिन दिए हैं। उन्होंने इस विश्वविद्यालय में अपनी जवानी कुर्बान की है, अपने एक एक पल को यहाँ लगाया है, उसी का यह सम्मान है। यह सम्मान हमारे भीतर समारोह के रूप में नहीं, बिना समारोह के भी लगातार बना रहे तो यह सम्मान समारोह सार